नमस्ते हेलो वेलकम टू क्रोशिया नेट आर्ट्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी पफ फ्लावर कैसे बनाते हैं पफ फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे एक मैजिक रिंग मैजिक रिंग एक चेन बनाएंगे बारह सिंगल क्रोशे इस रिंग में इंसर्ट किया एक लूप लेकर आए दो लूप्स में से निकाल लेंगे सिंगल क्रोशें एक दो तीन चार पच सात, आठ नौ दस ग्यारह और ये बारह जो हमारा पहला सिंगल क्रोशे हैं उसमें इस तरीके से इंसर्ट करेंगे हुक जो वी जैसा बना है उसके नीचे एक लूप लेकर आएंगे और बनाएंगे हम स्लिप स्टिच इसी लूप को इसमें से निकाल देंगे तो ये बना हमारा स्लिप स्टिच यहाँ पर हो गया हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट सेकेंड राउंड के लिए हम बनाएंगे यहीं दो छ सेम स्पेस जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच बनाया था वहाँ पे हम एक यार्न ओवर करेंगे हुक के ऊपर इस तरीके से इंसर्ट करेंगे सेम स्पेस में एक लूप लेकर आएंगे। टोटल हमारे पास हुए हुक पे तीन लूप्स उसी तरीके से हम इसे एक भी लूप ड्रॉप अभी नहीं करेंगे एक और बार यार्न ओवर इंसर्ट करेंगे एक लूप लेकर आएंगे अब हुए हमारे पास टोटल पाँच एक और वार्न ओवर इंसर्ट करेंगे एक लूप लेकर आएंगे अब हुए हमारे पास सेवन लूप्स नेक्स्ट नेक्स्ट सिंगल क्रोशे स्पेस में भी तीन बार हम सेम यही करेंगे यान ओवर इंसर्ट करेंगे एक लूप लेकर आएंगे दो ये सेकेंड टाइम और ये थर्ड टाइम टोटल हमारे पास हुक पे होना चाहिए थर्टीन स्टिचेस लूप्स एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह थर्टीन लास्ट वाले इस लूप को छोड़ के बाकी सारे लूप हम निकाल लेंगे एक लूप से यान ओवर सारे लूप्स में से एक साथ निकालेंगे लास्ट वाले को छोड़ के अब हम पे हैं दो लूप्स एक और लूप लेकर आएंगे और दोनों को एक साथ निकाल देंगे ये बना हमारा पफ और अब हम बनाएंगे दो चेन एक दो नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में डालेंगे हम इसको इस तरीके से और बनाएंगे एक स्लिप स्टिच स्टिच अब ये हुआ हमारा पफ कंप्लीट ये अभी आउटसाइड है इस तरीके से पफ तो हम इसको इस तरीके से सीधे तरफ करेंगे ये हो गया हमारा फर्स्ट पफ कंप्लीट सेकेंड पफ भी सेम इसी तरीके से बनाएंगे दो चेन बनाएंगे पहले फिर तीन बार हम लूप्स निकालेंगे इंसर्ट किया तीन लूप यार्न ओवर इंसर्ट अप लूप पांच, इंसर्ट करेंगे अप लूप यहाँ पे हुआ टोटल सात नेक्स्ट स्पेस में यार्न ओवर इंसर्ट पुल अप लूप एक दो तीन 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 बार करेंगे टोटल थर्टीन स्टिचेस हुक पे लास्ट वाले को छोड़ के बाकी सारे हम लूप पे से निकाल देंगे और बनाएंगे एक और लूप से पफ स्टिच चेन टू नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में इंसर्ट करेंगे और बनाएंगे एक स्लिप स्टिच और इसको इस तरीके से बाहर की तरफ तो बन जाएगा हमारा पफ बाकी सारे भी हम इसी तरीके से बनाएंगे चेन टू ओवर लूप लेकर आएंगे तीन एक लूप लेकर आएंगे फिर पांच सात नौ ग्यारह और तेरह सारे लूप्स में से निकालेंगे एक्सेप्ट वन एक और लूप से इन दोनों में से दो चेन नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच कंटिन्यू ये हमारा लास्ट पफ चेन टू यान ओवर इंसर्ट एक लूप लेकर आए तीन पाँच सात नेक्स्ट पेस में नौ ग्यारह और ये थर्टीन पूरे बारह में से निकाल देंगे लास्ट में दो इसमें से भी निकाल देंगे चेन टू यहाँ पर लास्ट में हम जो हमारा पहला वाला सिंगल क्रोशिया हमने शुरू किया था इस पफ में हम यहाँ पर स्लिप स्टिच बनाएंगे इंसर्ट किया लूप लेकर आए और यहाँ पर हम बनाएंगे स्लिप स्टिच एक चेन बनाएंगे ऊन कट करेंगे थोड़ा दूर से उसको खींचेंगे और एक नॉट लगा दिया ये हो गया हमारा पफ फ्लावर कंप्लीट। ये छः पेटल का मैजिक रंग की टेल थोड़ा खींच के इसको टाइट करके को क्लोज करेंगे गैप और ये हो गया हमारा फ्लावर कंप्लीट थैंक यू फॉर वाचिंग